दोस्तों मार्केट डेली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 8 सितंबर को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों आज जैसे मार्केट जो है कि कंप्लीट फ्लैट था, तो आज जो कि स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट दिख रहा था कि मार्केट जैसे कि पूरा फ्लैट था तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन हम लोग वो स्टॉक आज कवर करेंगे कि जिनमें बहुत अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और टेक्निकल एनालिसिस थे बहुत सारे वीडियो यहाँ पे है, वो देख के आप टेक्निकल से सीख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हमारा जैसे कि सैटरडे को वेबिनार था और आज से एक नया बैच शुरू हुआ है, तो आपने उसको बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो देखिए निफ्टी कंप्लीट एक फ्लैट है, 21 पॉइंट सिर्फ पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी यहाँ पे 65 पॉइंट नेगेटिव है। तो यहाँ पे जैसे कि सिलसिला चलता आ रहा है कि निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव साइड में और बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में, तो आज भी वैसे ही था लेकिन दोनों भी एक फ्लैट थे, इसको आप पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल सकते। हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे क्लियरली निफ्टी को। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्राइजेशन भी देखते हैं, हमने लास्ट टाइम इसमें क्या बात की थी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई है जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, और उसके बाद हम बोलते हैं जैसे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद दो नेगेटिव कैंडल तो चाहिए, तो बाद में ये जो नेगेटिव कैंडल आ गए थे जो कि लास्ट वीक में, और जो आज मार्केट यहाँ से नीचे से थोड़ा सा एक कवर हुआ, तो क्या मार्केट जो है कि यहाँ से कवर हो सकता है नहीं हो सकता है कि प्राइजेशन क्या बन रहा है। तो पहले हमको प्राइजेशन देखना है, एक ही दिन का मार्केट से हम लोग सोच नहीं सकते कि मार्केट कवर होगा या फिर नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखें कि मार्केट ने एक लेवल ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया था और यहाँ पे नीचे आया था, तो यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया। अगर मार्केट यहाँ से कवर भी हो जाता है तो ये जो है कि लोअर लो बनेगा, तो यहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं हो सकता है मार्केट को। लेकिन अगर ये हाई है, नज़दीक वाला जो हाई है, अगर ये ब्रेक करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है और फिर एक्शन प्राइजेशन बनाता है हायर है और हायर लो का, तो मार्केट एक पॉजिटिव जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जो सिग्निफिकेंट कैंडल जो आया था उसका हाई ब्रेक करके मार्केट 11,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो हम लोग समझेंगे कि बहुत पॉजिटिविटी आ गया है। प्लस पहला जो मिड टर्म में हाई बनाया था ये लेवल पे ऊपर, ये भी ब्रेक करता है तो हम लोग समझेंगे कि पॉजिटिविटी आ गया है। मार्केट जो फ्राइडे को गैप डाउन हुआ था तो यहाँ पे एक गैप भी आया, तो ये जो गैप है अगर 2 दिन में फिल नहीं होता है, यानी कि एक दिन के बाद 2 दिन, यानी कि कल का भी दिन हमको देखना पड़ेगा, अगर ये फिल नहीं होता तो ये और एक थोड़ा निगेटिविटी हो सकता है। अगर यहाँ पे जो एक कैंडल आया था फ्राइडे का उसके ऊपर अगर मार्केट जाने में सक्सेस होता है यहाँ पे और सस्टेन होता है, तो यहाँ पे हमको उम्मीद हो सकती है कि नज़दीक वाला जो है हाई है ये भी ब्रेक करेगा और ऊपर रहेगा। अगर पहले वाला अगर हम लोग देखेंगे मार्केट का जो स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद ये जो है कि लोअर हाई बनाया है और ये जो है कि ये लोअर लो बनाया, तो इस हिसाब से अगर मार्केट देखे तो नेगेटिव है, भले आज थोड़ा सा पॉजिटिव मार्केट क्लोज दिया है। तो और दो फॉर्मेशन जो बने हैं फ्राइडे का और अभी का कैंडल, ये थोड़े साइडवेज और कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हमको जो है कि इंट्राडे में अगर बाई बनता है तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको अच्छा या बाइंग चाहिए तो ये जो कैंडल था फ्राइडे का जो हाई है 11,451 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाई बन सकता है। इंट्राडे के लिए अगर आपको बाई करना है तो आज का ही हाई रहेगा उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत एक हैमर टाइप कैंडल आया है लेकिन परफेक्ट हैमर नहीं है, 11,381 के ऊपर बाई कर सकते हो। सेलिंग के लिए जैसे कि सिग्निफिकेंट कैंडल के नीचे देखिए कि मार्केट ने 2 दिन गया लेकिन यहाँ पे इसके क्लोज नहीं किया, तो इसका ही लो जो है हमको लगभग 11,323-24 के आसपास आता है, इसके नीचे जाता है तो हमको सेलिंग मिल सकता है, और जिस दिन इसके नीचे क्लोज देता है तो एक अच्छा नीचे गिरावट मार्केट में आ सकता है। तो मार्केट जो है कि नीचे वाले जो लेवल है या सपोर्ट है जो कि हमने बहुत बार निकाले थे 11,111, ये लेवल तक भी आ सकता है कि इसका नीचे भी एक सपोर्ट है। तो मैंने ऊपर और नीचे के भी आपको लेवल बताए हैं निफ्टी में। इंट्राडे के लिए नज़दीक वाले जो लेवल है 11,381 के ऊपर बाय, और जो कि सेल है 11,324 के नीचे आपको सेल करना है।
ओवरऑल सेंटीमेंट अभी तक निफ्टी का पॉजिटिव नहीं लग रहा है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड लग रहा है। लेकिन जब भी अगर ये गैप फिल करता है या फिर ये नज़दीक वाला हाई निकालता है तो मैं ये नज़दीक वाला हाई को भी यहाँ पे लेवल लगाता हूँ 11,588 के ऊपर। अगर जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग पॉजिटिव के बारे में सोच सकते हैं। तब तक जो मार्केट का सेंटिमेंट है नेगेटिव टू साइडवेज मुझे लग रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आखिर के समय में थोड़ा सा एक बाइंग आ गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उम्मीद लग रही है। लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट जब भी क्लियर होगा कि जो नेगेटिव बनी है वो उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी जो सिग्निफिकेंट कैंडल था उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक इम्पोर्टेंट लेवल था बैंक निफ्टी का 23,230 जो कि पहला हाई था, उसको ब्रेक करके नीचे आया है। इसके नीचे भी जाता तो एक ऊपर भी जाता है तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ पे निफ्टी से भी थोड़ा और भी ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, अपने लेवल के अंदर ही है। तो इसको कल भी बाइंग के लिए 23,105 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग के लिए 22,869 के नीचे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है दोनों भी यहाँ पे बहुत फ्लैट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की नहीं देंगे। आज भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी इंडेक्स में, इसलिए हम लोग थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर भी फोकस करेंगे तो यहाँ पे चल सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले हम लोग एज इट इज की रिलायंस देखते हैं। तो रिलायंस के बारे में जैसा मैंने आपको कहा था कि जब भी ए लेवल के नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे बार बार आया था 2071, तो यहाँ पे आज भी नीचे जाने के बाद फिर से ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ही देखना पड़ेगा जब भी इसके नीचे क्लोज देता है। बट यहाँ पे अच्छा आज का जो रिकवरी किया था बहुत अच्छा किया था, तो कल भी अगर 2103 के ऊपर सस्टेंड होता तो इसमें इंट्राडे में आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ स्टॉक है जिनमें अच्छे फॉर्मेशन बन रहा है मैं आपको कल के लिए यहाँ पे देता हूँ। तो पहला जो स्टॉक है यहाँ पे अजंता फार्मा। तो यहाँ पे देखिए कि एक सपोर्ट लेवल के ऊपर इसने हैमर कैंडल बनाया, तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो लेवल रहेगा और दूसरा कोई लेवल नहीं आ रहा तो आज का ही हाई हम लोग लेंगे 1532 के ऊपर, इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है ITC। तो ITC में देखिए कि बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, जैसे कि पहला एक डिमांड जोन था वहाँ पे ये हैमर बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डिलीवरी बेस भी लेते हो यहाँ पे ITC, तो 180 का टॉप लॉस लगा के आप डिलीवरी बेस लो तो ये जो ऊपर वाले भी टारगेट है 200 के आसपास, 210 के आसपास ये भी आ सकते हैं इमीडिएटली। आप कल आपको इंट्राडे भी इसमें करना है तो कर सकते हो। तो कल इसमें 190.50 के ऊपर अगर जाता तो इंट्राडे कर सकते हो। यहाँ पे एक अगर अच्छा मोमेंटम मिलता है 2 दिन में तो ये 200 तक ये आ सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे TCS। तो यहाँ पे TCS में देखिए कि अच्छा एक राउंडिंग बॉटम टाइप फॉर्मेशन बन रहा है, और ये जो पहले वाला जो रेसिस्टेंस था यहाँ पे उसके नज़दीक ये जा रहा है। तो कल आपको यहाँ पे एंट्री करना है तो कल TCS में आप 2342 के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो शायद ये, और यहाँ का नज़दीक वाला जो हाई है इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि HUL। तो HUL देखिए कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन बना रहा है, जो ब्रेकआउट हुआ था या फिर जो पहले रेसिस्टेंस था वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। तो कल इंट्राडे के लिए यहाँ पे 2174 के ऊपर इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नहीं जो स्टॉक है अपना एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक जैसे कि बैंक निफ्टी तो थोड़ा निगेटिव है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसमें एक काउंटर कॉल करके आपको दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करने के बाद और जो है कि एक्सिस बैंक ऊपर गया था उससे बहुत भारी गिरावट हुई थी, लेकिन आज जो एक लेवल के ऊपर उसने डोजी कैंडल बनाया तो ये डोजी कैंडल कभी कभी रिकवरी का भी संकेत देता है। तो 467 के ऊपर अगर कल आपको जाते हुए दिखेगा तो आप इसमें बाय कर सकते हो, शायद बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर हो जाए तो इसमें आपको इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये स्टॉक और इंडेक्स के लेवल है, ये मेरे टेक्निकल लेवल्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल मार्केट ऐसे ही चलना चाहिए। अगर इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है तो मेरे साथ आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। 20 सितंबर को हमारा एक संडे स्पेशल बैच आ रहा है, अगर उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो गए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आपका नाम और आपका सिटी का नाम यहाँ पे आप व्हाट्सएप कीजिए तो मैं आपको पूरे डिटेल दे दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।